दोस्तों, ये मैंने डेल का 2 in 1 लैपटॉप लिया था और इसके साथ कुछ ऑफर्स मिले थे, और जो फ्लिपकार्ट में बैक टू स्कूल का कुछ ऑफर चल रहा था, तो वो किस तरह से आपको लेना है वो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो ये लैपटॉप मैंने 50,000 में लिया था, हालांकि 2-3 दिन के बाद ही इसका रेट गिर गया था, तो अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। 3,000 रेट गिर गया, कुछ डेबिट कार्ड के साथ भी डिस्काउंट हो गया, तो मैं लाभ नहीं उठा पाया। यहाँ पर नीचे जाएंगे, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 in 1 ऑफर है। क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड को तो चल ही रहा है ऑफर, यहाँ पर देख सकते हैं पार्टनर ऑफर लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है गूगल नेस्ट मिनी आपको मिलेगा 1999 में, और ये देख सकते हैं स्नाइसर का ईयरफोन आपको मिलेगा 7500 का 1500 रुपये में, और साथ ही साथ 2 ईयर्स का एडिशनल वारंटी जो है एक्सटेंडेड वारंटी वो मिलेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा आपको 999 रुपया पे करना है। ये स्नाइसर का ईयरफोन और ये एक्स्ट्रा वारंटी मिला देंगे आप तो 2500 रुपया में आपको ये दोनों मिल जाएगा। तो ये किस तरह से रिडीम करना है वो मैं आपको चलिए बताता हूँ। अब आपको ऑफर लेने के लिए सबसे पहले यहाँ ऑल ऑफर पर क्लिक करेंगे तो नीचे आएंगे, यहाँ देख सकते हैं एक्सटेंडेड वारंटी वाला पेज खोलेंगे। नियम कानून सारा लिखा हुआ है, आप स्क्रीन रोक पढ़ सकते हैं कैसे कैसे मिलेगा, क्या क्या रिडीम करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिडीम करने के लिए सबसे पहले ये एड्रेस जो लिखा हुआ है इसको कॉपी कर लीजिए या ओपन कर लीजिए। मैं इस केस में कॉपी कर लेता हूँ, अगर आपको ओपन करने का देता है तो आप डायरेक्ट ओपन कर सकते हैं। किसी भी दिक्कत के कारण आप कस्टमर केयर जो है सो यहाँ पर कॉल लगा सकते हैं। मुझे पता नहीं था क्योंकि पेज का मैं इतना नीचे तक आया नहीं था, इसलिए मुझे पता नहीं था, तो स्टार्टिंग में मुझे काफ़ी ट्रबल हुआ। मैंने डेल वालों को कॉल किया और उनसे फिर काफ़ी सारा डिटेल लिया था। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कॉल नंबर लिखा हुआ है। आप सबसे पहले यहाँ से क्रोम में जाएंगे, यहाँ पर डालेंगे, तो क्रोम में जाने के बाद इस तरह से टाइप करेंगे और यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे जैसे ही आप पेस्ट करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरह से ओपन होगा। ओपन होने के बाद आपको सबसे पहले काम क्या करना है, यहाँ पे देख सकते हैं अपना नाम, उसके बाद देख सकते हैं जैसे ही लैपटॉप आपका आता है तो आप 7 डेज़ के अंदर कर दीजिए। अगर 7 डेज़ आपका पार हो गया तो भी आप कर दीजिए और आप एलिजिबल रहिएगा। मेरे केस में ऐसा हुआ था, मैंने लैपटॉप मंगाया था 7 दिन से ज़्यादा, क्योंकि 3 दिन तो 4 दिन आने में लग गया था लैपटॉप का, और वो लैपटॉप पर जब बिल मिलता है ना, वो मतलब जिस दिन आप ऑर्डर करते हैं उसी दिन का बिल मिलता है डेट के हिसाब से, तो 4 दिन आने में लग गया। फिर 2-3 दिन टेस्ट करने में लग गया, तो उतना में तो इसका रजिस्ट्रेशन पार हो गया था। तो मैंने फिर क्या किया, तब भी रजिस्ट्रेशन किया, और बीच में कुछ छुट्टियां थी क्योंकि इन्हें 3 वर्किंग डेज चाहिए अप्रूवल करने के लिए, तो 3 छुट्टियां थी, तो फिर भी उन्होंने अप्रूवल कर दिया। लेकिन तब तक मैंने रिटर्न डाल दिया था रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि मुझे ऑफर शायद नहीं मिलता और एक दो छोटी मोटी दिक्कत थी। तो आप भी देख सकते हैं रजिस्ट्रेशन अगर डेट पार हो जाएगा तब भी आप कर दीजिएगा, आपको ऑफर मिल जाएगा डेल की तरफ से। कस्टमर सपोर्ट इनका काफ़ी अच्छा है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे नाम भर लीजिएगा, ईमेल आईडी भर लीजिएगा, एक मोबाइल नंबर, उस पर ओटीपी आएगा, ईमेल पे भी आएगा, यहाँ ओटीपी डाल दीजिएगा। यहाँ एड्रेस भर दीजिएगा अपना सारा, स्टेट सेलेक्ट कर लीजिएगा, पिन कोड वगैरह भर दीजिएगा। जो फ्लिपकार्ट या अमेजन का होगा जो इन्वॉइस बिल रहता है ऑनलाइन भी आपको दे देगा वहाँ ऐप में निकालने के लिए बिल का, तो उस पर एक इन्वॉइस नंबर रहता है साइड में काफ़ी लंबा रहता है, तो वो कॉपी करके यहाँ डाल दीजिएगा। इन्वॉइस डेट जिस डेट को आप ऑर्डर करेंगे जनरली वही इन्वॉइस डेट रहता है, तो यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप देख सकते हैं कौन सा आप परचेस किए हैं, मेरे केस में मैंने इंस्पिरॉन नोटबुक परचेस किया था, तो ये क्लिक कर दीजिएगा, टिक कर दीजिएगा, अपने अनुसार से देख लीजिएगा। और उसके बाद मॉडल नंबर होता है, तो मॉडल नंबर देख सकते हैं मैंने 5410 2 in 1 ऑर्डर किया था। अभी यहाँ अपना सेलेक्ट कर सकते हैं मॉडल नंबर चेक करके, तो ये देख सकते हैं। उसके अलावा नीचे आएंगे तो आप प्रोसेसर सेलेक्ट करने आएगा, i3 या नेवक था आपका, अगर दूसरा होगा तो आप कर सकते हैं राइजन का होगा। तो सर्विस टैग नंबर आपको जैसे ही आप डेल का लैपटॉप ओपन करेंगे डेल का ऐप में भी आपको दिख जाएगा, और नहीं तो फिर आपका डब्बा पे लिखा हुआ रहता है ये सर्विस टैग नंबर, तो ये काफ़ी जरूरी है। कस्टमर के बात करेंगे तो सिर्फ सर्विस टैग नंबर ही बता दीजिएगा, तो वो सारा कुछ डिटेल निकाल के आपको बता देंगे। तो ये सर्विस टैग नंबर आपको डब्बे पर मिल जाएगा और ये पीछे भी लिखा हुआ रहता है आपका डेल का लैपटॉप के पीछे में लिखा हुआ रहेगा। उसके अलावा एक आईडी प्रूफ में आपका डीएल होना चाहिए, वोटर कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यही सब होना चाहिए, तो ये कंपलसरी है। और ये पीडीएफ में नहीं, आपको फोटो खींच के फोटो फॉर्मेट में होना चाहिए, जेपीजी में अपलोड कर दीजिएगा। इनवॉइस कॉपी ये भी पीडीएफ में आपको डाउनलोड होगा, लेकिन आपको उसका फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। उसके बाद ऑफर्स आएंगे, ऑफर 2 तरह के आएंगे आपको। तो ऑफर आपको आएंगे कि एक आपको सिर्फ हेडफोन लेना है, या आपको सिर्फ वारंटी लेना है, या हेडफोन वारंटी दोनों लेना है, इस तरह का ऑफर आएगा। और यहाँ एग्री क्लिक करके आप रजिस्टर मार देंगे। रजिस्टर मारने के बाद हो सकता है आपको बताएगा कि आपका ये जो सर्विस टैग नंबर है वो आपका एलिजिबल नहीं है, लेकिन फिर भी आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे देगा। तो ये भी आपका हो सकता है कि सर्विस टैग एलिजिबल नहीं बताए और रजिस्ट्रेशन हो जाए, तो उस केस में भी आप ऑफर के लिए एलिजिबल रहिएगा, तो वो भी आपको रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो आपको ऑफर 2 से 3 दिन में ईमेल आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं, सारा चेक करने के बाद। आप चाहें तो डेल के कस्टमर केयर को कॉल कर सकते हैं, उनका वेबसाइट पर भी मिल जाएगा, 1800 समथिंग नंबर है, और नहीं तो ऐसे भी कॉल कर सकते हैं। अब इसके होने के बाद आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा, वो रेफरेंस नंबर जो आपको दिया जाएगा उसको यहाँ पे चिपकाना है, और जैसे ही यहाँ पेस्ट करेंगे अपना रेफरेंस नंबर चेक करेंगे तो आपको जो है सो बता देगा कि अभी प्रोसेसिंग हो रहा है। तो एक बार आपको रेफरेंस नंबर आपको मोबाइल पे भी मिल जाएगा नंबर पे, और आपको ईमेल भी आएगा। तो जब ईमेल आ जाएगा उसके बाद आप रेफरेंस नंबर को चेक कर सकते हैं कि स्टेटस क्या है अभी आपका, और 2 से 3 दिन में, मतलब जनरली एक ही दिन में हो जाता है। अगर मंडे है तो वर्किंग डे मंडे ट्यूजडे में आपको अगर रजिस्ट्रेशन कर देते हैं ये वाला, तो आपको मंडे ट्यूजडे में मतलब एक दिन में ही आपको कंफर्मेशन मिल जाता है कि आप एलिजिबल हैं या नहीं है, और कभी कभी ही 2 से 3 दिन का टाइम लिया जाता है। उसके बाद आप रेफरेंस नंबर आपको जो ईमेल आएगा उसमें ये भी आ जाएगा कि आप एलिजिबल हैं, आप पेमेंट कर सकते हैं। फिर आपको क्लिक करेंगे पेमेंट के लिए तो आपको इसी पेज पे लेते आएगा, यहाँ आपको अपना वो रेफरेंस नंबर डालना है, चेक पे क्लिक करेंगे तो आपको पेमेंट का ऑप्शन आ जाएगा, फिर आपको पेमेंट करना है। तो चलिए मैं पेमेंट करके दिखाता हूँ आपको। तो एलिजिबल होने के बाद कुछ इस तरह का मेल आएगा जिसमें कि आपका रेफरेंस नंबर लिखा हुआ रहेगा, और यहाँ लिखा हुआ रहेगा कि काइंडली मेक योर पेमेंट ऑफ रुपीज, लिखा हुआ रहेगा मैंने हेडफोन और वारंटी दोनों का लिया था, विदिन 7 कैलेंडर डेज, यानी 7 दिन के अंदर आपको कर देना है। तो जैसे ही आपको ये लिंक मिलता है उसके बाद आप सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपको वो लिंक खुलेगा जिसमें कि आपको पेमेंट करना रहेगा। यहाँ नीचे जाएंगे, वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर आपने आपको मिला था बस यहाँ पर डालना है आपको और चेक करना है, उसके बाद आप आराम से पेमेंट कर सकते हैं। तो चलिए हम, तो ये देख सकते हैं कुछ इस तरह से रजिस्ट्रेशन अप्रूव करके मेल आएगा, और ये देख सकते हैं 5 दिन पहले का है, आज मिला के 6ठा दिन है और कल 7वां दिन हो जाएगा। तो आज ही मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ इसको ताकि टाइम रहते पेमेंट कर दूँ। अब ये जो लिंक आया है इस पर मैं सिंपली क्लिक करूँगा और यहाँ ब्राउज़र में खोल लूँगा अपना। तो ये देख सकते हैं मेरा ब्राउज़र में भी खुल रहा है, ब्राउज़र में कुछ इस तरह से खुलेगा। नीचे आने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लेम स्टेटस लिखा हुआ है, तो यहाँ पे अपना रेफरेंस नंबर डाल करके चेक नाउ करूँगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑप्शन आ चुका है, पहला हमने क्लेम सबमिशन किया था, तो योर क्लेम इज अप्रूव 23 अप्रैल को किया गया था, आज 28 अप्रैल है, और 30 अप्रैल तक मुझे पेमेंट कर देना है। आज 28 हो चुका है तो मैं 30 से पहले कर देता हूँ, पे नाउ में करूँगा, और वारंटी है। पेमेंट समरी आ जाएगा, पेमेंट समरी के बाद नीचे आप देख सकते हैं पेमेंट करने का है, तो यहाँ मैं पे नाउ कर दूँगा।
यहाँ काफ़ी सारे पेमेंट मोड है, आप देख सकते हैं फ़ोनपे, अमेज़न वालेट और कार्ड, UPI सबसे पेमेंट कर सकते हैं, वालेट वगैरह बहुत कुछ है। तो आपको जिससे इच्छा है UPI वगैरह और आपको वालेट से, तो आप पेमेंट कर सकते हैं और यहाँ पे आप पेमेंट कर दीजिएगा। यहाँ तो अब हमारा पेमेंट हो चुका है, हमने UPI से पेमेंट कर दिया है। तो चलिए मैं अपना स्टेटस चेक करता हूँ। तो ये रहा मेरा स्टेटस, क्लेम सबमिशन था, ऑनलाइन पेमेंट था जो मैंने आज कर दिया है, ये पेमेंट इज अप्रूव्ड ऑन 28 लिखा हुआ है। यहाँ लिखा हुआ वारंटी इज अंडर प्रोसेस, TAT इज 21WD, डिस्पैच ऑफ हेडसेट इज अंडर प्रोसेस, ऐसा लिखा हुआ है। TAT डिलीवर इन 45 डेज, वर्किंग डेज, WD मतलब वर्किंग डेज, वारंटी जो है 21 वर्किंग डेज के अंदर एक्टिवेट की जाएगी 2 ईयर्स की। और कोई दिक्कत हो तो मैं कॉन्टैक्ट अस पे यहाँ पे क्लिक कर सकता हूँ, तो कल मैं कॉल करके ये टोल फ्री नंबर पर। तो दोस्तों ये है पूरा प्रोसेस और यही आपको करना है, और 21 दिन के अंदर जब आ जाएगा मेरा हेडसेट तो मैं इसी चैनल पे डाल दूंगा आपको, ताकि पूरा प्रोसेस आपको पता चले। और आशा है वीडियो पसंद आएगी, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, थोड़ा लंबा है पर एक एक प्रोसेस अच्छे से बताना जरूरी था।